आए हुए सभी हमारे अभिभावक बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ हमारे भाई और माताएं बहनें उपस्थित हैं और नौजवान युवा साथी सभी लोगों का आज जन विश्वास यात्रा के तहत आप लोग जो आए हैं आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। देखिए जन विश्वास यात्रा में हम आप लोगों के बीच आए हैं। हम लोगों को 17 महीने सरकार में काम करने का मौका मिला और जो हम लोगों का कमिटमेंट था 2020 में कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं और जो कहा उसको हम लोगों ने किया। केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया, लेकिन चाचा जी पलट गए। बिहार विधानसभा में जब भाषण देने का मौका मिला तो हमने भाजपा के लोगों से पूछा, अरे भाजपा के लोगों बताओ, मोदी जी का गारंटी तो सबसे मजबूत वाला ना गारंटी होता है, मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, हमारे चाचे का गारंटी लोगे कि फिर पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता दीजिए। कोई भाजपा के लोग सब चुप बैठ गया। एक भाजपा के राष्ट्र अध्यक्ष कहते हैं कि हम लोग नीतीश जी का गारंटी नहीं ले सकते। एक नहीं दो दो डिप्टी सीएम है एक दूसरे का मुंह ताकते रहेंगे, लेकिन कोई मुख्यमंत्री जी का गारंटी नहीं लिया। लेकिन आप सिवान की महान जनता ने 2020 के चुनाव में आप लोगों ने जो आशीर्वाद समर्थन जो ताकत दिया जो प्यार दिया, जिले में से 4 सीट जो है आप लोगों ने जिताया था और इसी स्थल पर हम अवध बिहारी चौधरी जी के लिए प्रचार करने आए थे, हमको याद है। आप लोगों ने जो प्यार समर्थन आशीर्वाद दिया जो ताकत दी उसके बदौलत राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी और प्री पोल अलायंस में हमारा महागठबंधन सबसे बड़ा बना। चंडीगढ़ में क्या हुआ आप लोगों ने देखा, मेयर के चुनाव में बैलेट में कैसे राठ को वोट रद्द कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के लोग जो बेईमानी किए थे जो अधिकारी थे उसको हटा करके जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको दोबारा मेयर बनाने का काम किया। तो जो वोट रद्द किया था आप लोग 2020 में तो सरकार बना दिए थे हम लोगों का, 4 बजे शाम तक हम लोग सरकार बना लिए थे, लेकिन रात के अंधेरे में जो खेल हुआ जैसे चंडीगढ़ में किया वोट रद्द करके बैलेट वाला, उसी हिसाब से हम लोगों को 10 से 12 सीट बिहार में हराने का काम किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने विपक्ष में आने के लिए हम लोगों ने स्वीकार किया और आपकी आवाज को हम लोगों ने बुलंद किया, ऊंचाई तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम दोबारा नहीं चाहते थे कि फिर से हम इनके साथ सरकार बनाए, क्योंकि एक बार 2017 में उन्होंने धोखा दिया था। और लेकिन एक ही लक्ष्य था कि 2024 में मोदी जी को रोकना है। हम लोग पूरे देश भर घूम घूम करके गठबंधन बनाए, इंडिया अलायंस बनाया, यही मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माफ कर दीजिए, हमारे माता से पिता से माफी मांगी हाथ जोड़ करके कि अब गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाजपा जो है हमारे पार्टी को तोड़ रहा है और जब पार्टी को तोड़ रहा है तो लालू जी आप मदद कीजिए और मिलके 24 में भाजपा को हराने का काम करते हैं। देश भर के नेताओं का बड़े बड़े नेताओं का दबाव था मेरे ऊपर
सभी लोग कहते थे अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो उनको साथ ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी वाला उस समय ऑपरेशन लोटस चालू किए हुए था महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में। जो स्थिर सरकारें थी उनको तोड़ा जा रहा था, गिराया जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या कराई जा रही थी। तो हमको लगा देश भर में अगर ऑपरेशन लोटस कर रहा है तो लोटसे के साथ ऑपरेशन बिहार में कर देते हैं। और हम लोगों ने अपनाया, मुख्यमंत्री जी के साथ फिर से सरकार बनाया। लेकिन हमारा एक शर्त था, हम जानते थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आपने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। तो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और बोला कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आप हमको कमिटमेंट दीजिए कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी या बहाली हम लोग निकालने का काम करेंगे। हम लोग साथ आए, लेकिन याद कीजिए सिवान की जनता से हम पूछने आए। आज जब नौकरी मिलने लगा तो भाजपा वाला, जदयू वाला सब लोग क्रेडिट ले रहा है, लेकिन हम सिवान की जनता से पूछना चाहते हैं, आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, जवाब दीजिएगा, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख नौकरी का सुना था, किसके मुंह से सुना था? और जब हम 20 में 10 लाख बोलते थे तो मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि बाप के पास से पैसा ला करके वेतन देगा, असंभव है, यही बात मुख्यमंत्री जी कहते थे। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी असंभव की बात करते थे उनके हाथ से भी हमने गांधी मैदान में लाखों के तादाद में नियुक्ति पत्र वितरण कराने का काम किया। कौन सा ऐसा राज है देश में, भारत सरकार हो या अन्य राज्य हो, कहीं 17 महीने में अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई हो तो हमको बताइए। कहीं भी मोदी जी तो रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, जहाज बेच दिए, सब कुछ निजीकरण कर दिए, बाली खत्म हो गया। उसने नौकरी तो देना तो छोड़िए, वो नौकरी छीनने का काम किया गया। तो ये ऐतिहासिक काम किए। नियोजित शिक्षक लोग आंदोलन करते थे कई सालों से। हम लोग जब सत्ता में आए और चुनाव में हमने वादा किया था कि नियोजित शिक्षकों को हम लोग राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे, और सत्ता में आते हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा देने का हम लोगों ने काम किया। यही नहीं, जो विकास मित्र है, टोला सेवक है, जो तालमी मरकज है, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, आंगनबाड़ी वाली दीदियां हो, सब लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया है, सबका दुगुना हुआ। लेकिन आशा दीदी, ममता दीदी का फाइल रोक करके बैठा गया है। हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने फाइल कर दिया, 2500 रुपए मानदेय बढ़ा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी तक उसको लागू नहीं कर रहे, रोक करके रखे हैं। और यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में अभी 1,30,000 का बहाली हम निकाल करके आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी कैबिनेट पे आने से रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई कितनो चाहेगा रोक लेगा, तेजस्वी के रहते किस आपका अधिकार को छीन नहीं सकता है, ये हम आपको बताने आए। आज नहीं तो कल उस नौकरी को भी निकलना है, और आपकी लड़ाई लड़ने हम आए हैं, और आपसे विश्वास चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, हाथ उठा करके बात बताइए। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो तेजस्वी आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, आपकी लड़ाई को लड़ेगा। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोग जानते हैं, देख रहे हैं क्या स्थितियां हैं। हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं, हमारे मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है, किसी का हम अहित नहीं चाहते हैं।
और सब लोग साथ लेकर अरे हिल जाएगा यार, नहीं नहीं हिला रहे हम। अरे तुम्हारे कारण नहीं होगा यार, हिल जाएगा तो बलवान होता है। समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है, व्यवहार में, आचरण में, और समय के साथ साथ परिवर्तन इसलिए जरूरी है। पहले बताओ एसटीडी बूथ होता था कि नहीं होता था? एसटीडी बूथ खत्म कैसे हो गया? जब मोबाइल फोन आ गया, और जब मोबाइल फोन आ गया तो पहले रिचार्ज कराने दुकान जाना पड़ता था मोबाइल, अब ऑनलाइन रिचार्ज हो जाता है। आजकल तो गाड़ी भी ओला उबर बुक कर लेते हो ऑनलाइन। तो समय के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है। पुराना जमाना गया, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, हमने आगाज किया है, बिहार को 5 अव्वल राज्यों में लाना है, इसका आगाज हम लोगों ने कर दिया है। और साथ ही साथ आप लोगों की तरक्की हो, विकास हो, बिहार में निवेश आए, इसकी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। हम लोग नौजवान नए सोच के, नए विजन के साथ आप लोग के सामने हम लोग आए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए। नीतीश कुमार जी के प्रति मेरा सम्मान है, वो आदरणीय थे, आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे, हमको उनके बारे में बात नहीं करना। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी से अब बिहार चलने वाला नहीं है। तो इसलिए नया बिहार बनाने के लिए आप सब लोगों का योगदान चाहिए, और हम आप लोगों के बीच आए। लोग कहता है कि माइक की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है, हम कहते हैं माइक के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। पी ए ए पी, पी से बहुजन, ए से अगड़ा, और दूसरा ए से आधी आबादी महिलाओं की, और पी से हो गया पुअर यानी गरीब, यानी ए टू जेड की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, और महागठबंधन हम लोग है। सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे, चाहे कोई वर्ग के लोग हो, सबके प्रति हम लोग जो है सम्मान देने का काम करेंगे। और बेहद खुशी हो रही है जिस प्रकार से इतनी तादाद में महिलाएं हैं, ये यहाँ सारिका अंसारी जी बैठी है, इनके नेतृत्व में काफी लोग जो है महिलाओं आई है। हम इनको भी सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। मिलजुल करके हम सब लोगों को रहना है, एक रहना है। हम लोगों ने कलम बांटने का काम किया है, हम लोगों ने भविष्य को सुनहरा करने का काम किया है, 5 लाख नौकरी दे करके। लेकिन भाजपा वाले लोग तलवार बांटने का काम करते हैं, जहर बोने का काम करते हैं। आज पूरे देश में बड़ा से बड़ा नेता मोदी जी के आगे नाक रगड़ रहा है, झुक गया है। लेकिन लालू जी को कितना भी सताया गया हो, तेजस्वी पर कितना भी मुकदमा किया गया हो, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अच्छे अच्छे लोग देखिएगा भाजपा ज्वाइन कर रहा है, अरे छोड़ भाजपा ज्वाइन कर रहा है। पहले तो भाजपा को हम कहते थे वॉशिंग मशीन, कितना दागी से भी दागी लोग चला जाएगा, भाजपा जो है दाग छोड़ा देगा, है ना। लेकिन हम कहते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन भी हो गया है। जितना पार्टी का कूड़ा है, जितना पार्टी में कूड़ा है, सब कूड़ा को ले रहा है। अरे हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं, हम लोग विचारधारा वाले लोग हैं, और जब बिहार की जनता लालू जी के साथ खड़ी है, आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, यह देश सबों का देश है,
चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों को मिलजुल करके रहना है। सब लोग इस देश की आजादी में कुर्बानी दिया है, हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं। सबका मान है, सबका सम्मान है। हम लोग मंदिर भी जाते हैं, हम लोग मस्जिद भी जाते हैं, हम लोग गुरुद्वारा भी जाते हैं, हम लोग गिरिजाघर भी जाते हैं, हम लोग मत्था टेकते हैं, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। अरे हम लोग, हमारे घर में मंदिर है। और हम तो ऐसे विचार वाले आदमी हैं जो मन में ही हम समझते हैं कि हमारे मन में भगवान बसते हैं, हमारे भीतर भगवान बसते हैं। सच्चा हो, ईमानदारी से अपना काम करेगा तो भगवान उसका साथ देगा। कितना पाप कर लीजिए, गंगा जी में नहा लीजिए और कितना मंदिर जाके घंटी बजा लीजिएगा और जनता का अहित करते रहिएगा तो भगवान भी माफ करने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों के बीच आए, माई भी मेरी जनता है, बाप भी मेरा जनता है, गुरु भी मेरा जनता है, ताकत भी मेरा जनता है, भरोसा भी मेरा जनता है। इसी विश्वास के साथ आज हम लोग आए हैं आपका जन विश्वास हासिल करने। तो आप लोगों का विश्वास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और 3 तारीख को भाइयों, 3 तारीख को पटना चलना है। हम निमंत्रण देते हैं आप सभी लोगों को, पटना चलिएगा कि नहीं चलिएगा? 3 तारीख को आतवार है, 3 मार्च को आप लोग सब लोग पटना आइए। एक बार वहां भी होमवर्क देना है और एक बार पटना चलिएगा तो इन लोग का पटन जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन आप सब लोग ईमानदारी से अनुशासित होते हुए सभी लोग झंडा को उठाते हुए सब लोग पटना आइए। हम सब लोग आप लोगों का स्वागत करेंगे। और आदरणीय लालू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर ने सलाह दिया है कि ज्यादा घूमना नहीं है, वो भी आपको आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे संवाद करना चाहते हैं। तो पटना आप लोग, सिवान की जनता भारी संख्या में, आप सब लोग पहुंचने का वहां काम कीजिए। और हम माले के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, सीपीआई, सीपीएम, सभी पार्टी के अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं और सब लोगों को